अज दी कहानी है गुरमीत आरिफ दी कलयुग। धियां दे जमदियां ही घर दियां कंधां उच्चियां कर लैणियां चाहीदियां ने भाई, ते बूहे बंद कर लैने चाहीदे आ। इहो जिहियां गल्लां मैं निक्की हुंदी ने अपनी दादी दे मूँह सुनियां सन, पर उदों इन्हां दी समझ नहीं सी पैंदी ते ना ही कदी लोड़ समझी सी। पर हुण जदों अपनी धी मोढ़ियां ते आन चढ़ी है तां उह गल्लां फिर कन्नां 'च गूंजण लग पईआं। बथेरे दुख हुंदे आ धियां दे, आटे दे टुक वर्गियां हुंदियां ने। जे घरे हुंदियां तां अपने आप नूं फिकर जिहा लगा रहिंदा, ते जे किते बाहर चलियां जाण ते लोकां दीआं नज़रां दे कान ठूंगे मारदे ने। इन्हां बारे तां बंदा सोचदा सोचदा यद्दा रहि जांदा। सोचीदा कुछ होर है, हुंदा कुछ होर है। उस दिन मोहल्ले वाली मेरी सहेली चरणजीत मिलन आई। कई वारी तां उह बालियां कमलियां जिहियां गल्लां मारन लग जांदी है, बथेरा वरजदियां उहनूं कि तूं की लैणा लोकां दीआं गल्लां तों, पर कित्थे समझदी आ उह। पर उस दिन तां उह सच कुछ इहो जिहा कहि गई भी मैं भी मूँह चुंगलां पा के सोचण लई मजबूर हो गई। सुण के मैनू भी अपने कन्नां ते यकीन ना होया। जगों 13वीं गल ने मैनू सोचण लई मजबूर कर दिता। उहदे गुआंढ च प्यो धी किराए ते मकान च रहिंदे सी। कुड़ी दी मां मरी नूं काफ़ी चिर हो गया सी ते कुड़ी वाहवा हुंदड़ेल सी, ते आप भी उह बंदा उम्र दी ढलान जिही तों तिलक रिहा सी। मैं जाणदी आं उहनूं, मेन रोड ते फलां दी रेहड़ी लाउंदा पर शराब बहुत पींदा। कदी कोई चीज़ लैण लई रुक जाओ तां कोल खड़ के गल नहीं हुंदी, दूर तक मुश्क मारदा जिवें मर जाणा शराब नाली नहा के खड़ा होवे। कुड़ी कई वारी उहदी मैं रोटी लै के आउंदी वेखी, पर हुण कई दिनां तों वेखी नहीं सी। शायद चरणजीत ठीक ही कह रही होवे। उह बुच्चड़ बंदा हवस अन्ना होया कुड़ी नाल मूँह काला करदा रहा। जे कुड़ी विरोध करदी तां अगों मारन पै जांदा। शायद विचारी उहदियां वड्डियां वड्डियां मुछां ते बेटब्बी जी दाढ़ी तों डर जांदी होगी। एक दिन उहदे ढिड्ड 'च दर्द होया तां दवाई लैण हस्पताल नर्सां कोल चली गई। कुड़ी दा ढिड वेख नर्सां हैरान, हैं कुआरी कुड़ी ते आ की कुत्तिए, 4 महीने तो उपर हो गया तैनू, हुण इहदा कुछ नहीं बनना, जां जमला जां फिर किसे खूह खाते 'च पै जा के। कुड़ी नर्सां दे पैरीं टै पई, नहीं नहीं आंटी जी मैनू बचा लो, मैं तुहानूं की दसां भई दिने पुत पुत करन वाला मेरा शराबी प्यो रात नूं सारे रिश्ते भुल जांदा। मार दिओ आंटी जी मैनू, मैं जीना नहीं चाहुंदी, मार दिओ मैनू, मेरी मिन्नत आ। कुड़ी जमीन ते बैठी गोड्यां 'च सिर दे के लेलड़ियां कढ़ी जावे। एक वारी तां सुण के उहदा प्यो मैनूं घीले कसाई वर्गा लगा, जिहड़ा रोज़ सवेरे उठ के मुर्गियां नूं पचकार पचकार के दाणा पाउंदा ते दिन ढले उहनां नूं पिंजरे 'चों कढ के ताड़ ताड़ दातरना वढ के वेच दिंदा। वेख लै भैणे कलजुग, एदों वड्डा पाप कोई हो सकदा भला? जे प्यो ही धियां नाल खेह खाण लग पैण तां किहड़ा रिश्ता बचिआ बाकी? नाले भैण शराबी बंदिआं दा की है, उह कोई भरोसा नहीं। बाबा जी एक दिन कहिंदे तां सही भी जदों नशे 'च हुंदा बंदा उदों उहदे 'च शैतान दी आत्मा वस जांदी है, ते फिर उहनूं पता ही नहीं लगदा भी उह की कर रिहा। उदनी कुड़ियां दे प्यो नूं कहता भी अज तों शराब बंद, होर जो मर्जी खाओ पीओ पर शराब नहीं पीणी। पर बंदे कित्थे हटदे आ भैण जी, पहलां घरे बह के पींदा सी, हुण बाहरों डफ के आउंदा। हुण तां मैं डरती मारी कुड़ियां नूं जमा ही अखों ओले रखदी हाँ। चरणजीत दीआं गल्लां ने मेरा दिमाग खराब कर दिता सी। कईआं दिनां दी मेरीआं सोचां दी तार बस इसे चीज़ दे दुआले दुआले घूमदी पई सी, जिवें लोहे नाल चुमक जुड़ जांदा ना। इस तरह इह गल मेरे दिमाग 'चों निकल नहीं सी रही। रातीं सरवण आया तां राणी बूआ खोलण चली गई। मैं चौंके 'च बैठी साग घूट रही सां। अंदर लंघ सैकल स्टैंड ते ला के उहने राणी नूं कलावे 'च भर लिया। की करदा फिरदा रण, उह बोलिया। ते जद मैं चौंके 'च उच्चा हो के वेख्या ते झट उहने छड्ड दित्ता। उहदा इस तरह कुड़ी नूं कलावे 'च भरना मैनूं बहुत बुरा लग्गिया। शायद उहने शराब पीती हुई सी। उहदा चेहरा मैनूं ओपरा ओपरा जिहा लगी जावे जिवें कोई अजनबी घर आ गया होवे। सारी रात मैनूं नींद ना आई। सरवण उस कुड़ी दा प्यो बन के मेरे सामने आण खलोवे ते मैं त्रभक के उठ के बैठ जावां। सवेर होई, मेरे अंदर एक अजीब जिहा बदलाव आ गया। घर 'च तुरी फिरदी कुड़ी ते उहदे प्यो दीआं हरकतां नूं मैं पागलां वांग ताड़न लग पई। जदों भी प्यो धी कोई गल मेरियां अखां तों ओले करदे ते मैनूं लगदा भी सरवण कुड़ी नूं वरगला रहा होणा। फिर मैं उहदे काम ते जाण मगरों किसी ना किसी बहाने कुड़ी नूं कुट छड्डदी। राणी दा प्यो सरवण मेरा दूजा पति है ते राणी मेरे पहले पति दी औलाद है। सरवण FCI 'च चपड़ासी दी नौकरी करदा। राणी 2 साल दी सी जदों सरवण नाल मेरा विआह होया। राणी तों बाद मेरे को बच्चा ना होया, बस लै दे के राणी साडे कोल रहि गई।
छोटी हुंदी राणी अपने प्यो कोल नहीं सी जांदी, ओपरा ओपरा जिहा महसूस करदी सी, पर हौली हौली वह सरबण नाल परच गई। हर रोज़ वह ड्यूटी तो आउंदा इहदे लई कुछ ना कुछ लैके आउंदा। बस इहदी एक ही माड़ी आदत है, जिस दिन छुट्टी होऊ किसी ना किसी यार मित्र नूं घरे बहा लूँ तो सारा दिन हिलण दा नां नहीं लैंदा। गामी मुछड़ तां मैनूं बाला ही भैड़ा लगता, गल्लां होर पासे करी जाऊ, झाकी मेरे वल जाऊ जां कुड़ी वल झाकी जाऊ। तो कई बार विचों ही बोलूँ, हैं भरजाई, हैं राणो। उहदियां गल्लां तो मैनूं चिप चढ़दी है। कई बार कहा बई इहनूं घरे ना वाड़िया कर। ये अगों आखू, तैनूं दस की कहिंदा, वह कड़ा रोज तुरिया रहिंदा, कदी हो गया बह गए कल्ले, नहीं कड़ा टाइम लंघदा, वह मेरा पुराना यार है, मैनूं पता उहदा, तू ज़्यादा स्याणी ना बन। आही गल कह के घरों निकल तुरू, रातें कितों ना कितों पी के डप के फिर घर आन वड़ू। हुण जदों भी दारू पींदा मैनूं नींद नहीं आउंदी, उहदे विचों शैतान दिसण लग जांदा मैनूं, तो मैं डर जांदी आ। साल भर बीत गया सी ते मेरे दिमाग च उल्टे सीधे सवाल आउंदे रहिंदे, पर हुण तां मैनूं कुड़ी दा फिक्र वड वड खाण लग पिया। अजे कल दीआं गल्लां ने जदों छोटी जिही सी, पर जदों उंगलां दे पोटियां ते साल गिणदियां तां हत्थां वल ही वेखदी रहि जांदी आ। 14वां साल पार कर चली सी, उस दिन जदों उन्हें आके कहा, मम्मी मैं 8वीं चों पास हो गई, तो मैनू बड़ी खुशी हुई, तो नाल ही तौखला जिहा भी होया। हुण तां जदों वह स्कूल जाती है मेरिया नज़रां उहदी पैड दबदियां ने, मगरे मगरे तुरियां जांदियां ने, ते घरे मैं टाइम पीस दा अलार्म 2:30 बजे दा लाया। जदों इहदी घंटी वजदी है मैं वार वार बूहा खोल के कुड़ी दा राह वेखदी हाँ। राहां च खड़ी मढ़ीर देख के मन च कई तरह बुरे ख्याल आउंदे आ। एक दिन वह कापी किताब लैन अपनी सहेली दे घर चले गई, अलार्म वजा, अद्धा घंटा उपर हो गया, मैं अंदर बाहर वेखा कुड़ी कितें ना दिसी, अजे तक तो आ जाना चाहिए सी उन्हों। मन काला जा पैन लग पिया, मैं चुन्नी सिर ते रख स्कूल वल हो पई। गां जाके वेख्या राणी गली दे मोड़ ते स्कूल दे राह चों तुरी आउंदी सी। है नहीं की गल हो गई, अज इन्ना चिर कित्थे लग गया तेनू, घर आउण दा फिकर नहीं तेनू, मैं दबका मार के कुड़ी तों पुछया। कि मम्मी तू पिछे पिछे सूह कढ़दी रहनी आ, मैं घरे ही आउणा सी, किताब लैण गई सी सहेली घरे, राणी खिंच के बोली। कुड़ी दे जवाब ने मैनू ठंडिया कर दिता, तपदे सिर च जिवें किसी ने ठंडा पानी पा दिता होवे। इस तरह के जवाब कदी कमों भी दिया करती सी अपनी माँ नूं। उहदा जहन च ना आउंदिया ही सारा सीन मेरी अखां दे सामने घूम गया। ये उदों दी गल है जदों मैं राणी दी उम्र दी सां ते कमों उदों 10वीं च पढ़दी सी। सर नाल उहदा चक्कर चलदा सी, उन्होंने कमों नूं 10वीं चों पास कराउण दा लारा लाया सी, ते रोज़ ही छुट्टी तों बाद स्कूलों लेट आउंदी सी। ते एक दिन जदों सारा पेत खुल्लिया तां उहदा स्कूल जाणा वी बंद हो गया। एक वारी तां मेरे भी मन च आई कि मारां चार चपेड़ां ते इहनूं पुछां वी कित्थे खेह खांदी सी, पर उहदियां अखां विचले गुस्से नूं देख के मैं शांत हो गई। वड्डे वीर जी दी सेहत वी काफ़ी खराब रहिंदी है, भरजाई दा 3-4 बार फोन भी आ चुका है, पर मैं एक बार भी पता लैण ना जा सकी। सोचदी हाँ की दसा उन्हां नूं भी मैं किहड़े दवंद च फसी हाँ, एक मिनट भी घरों बाहर ना जाती मैं, भैड़े भैड़े ख्याल दिमाग च आउंदे रहिंदे। चरणजीत दीआं गल्लां पता नहीं क्यों मेरे दिमाग चों निकल गए नहीं सन। सरबण शहरों आउंदा रोज़ ही कुछ ना कुछ खाण नूं लै आउंदा, कई दिनों तो गामे मुछड़ पिछे बहस के मैनूं बुलाउंदा नहीं सी, पर जदों शैंकल दे डंडे नाल लिफाफा खोल के अंदर जा कुड़ी नूं फड़ाउंदा तां मैनूं बहुत बुरा लगता। रोटी पानी खा के आखू, लिया खां राणू, मैं तेरे लई चीज़ लैके आया, खाइए आपां। उदन माघी दे मेले ते गया, साढ़े दोहां मावां धीआं लई वंगां लै आया, कांटे क्लिप ते होर समान जिहा भी सी। सैंत जिही मार के राणी नूं अंदर लै गया, राणी बाहां च वंगां ते कन्नां च कांटे पा के मेरे कोल आ बैठी। मम्मी वेख, डैडी अपने लई कई कुछ लैके आया। कुड़ी दे इह सारा कुछ प्या देख के मेरा दिल दिमाग जहर ना भर गया। भला इह की गल होई, जे तूं कुछ लै ही लिया तां सामने नहीं दे सकदा। मन च आई कि सुणावां चारे नूं पता लगे। उस रात मैनूं चैन ना आया, कई तरह के भैड़े भैड़े ख्याल दिमाग च आउंदे रहे। मैनूं लगा जिवें सरबण कोई शैतान है ते राणी दे मगर मगर भज्जा फिरदा है, ते राणी भी मैनूं अगों अंगूठा दिखा रही होवे। ये सारा दृश मेरियां अखां अगे साकार हुंदा गया। अबड़वाए उठ के मैं वाहिगुरू करन लग पई। अचोताई जिही च उठ के मैं कमरे की लाइट जगा दी। मंजे ते पिया सरबण घराड़े मार रहा सी ते राणी मेरे मंजे ते कट्ठी जी हुई पई सी। मन च पता नहीं की आई, मैं अलमारी दे शीशे मूहरे जा खड़ी। शीशे च मैनू अपनी शकल डरावनी जी लगी, बिल्कुल उस शैतान वर्गी जिन्हों मैं सरबण च आया देखिया सी।
दिल कीता अपने मूँह ते चार चपेड़ा मारा ताकि शैतान दे भय तो मुक्त हो सका। एक दिन राज तुरी आउंदी सी तां चरणजीत मिल पई, नेरी गल्लां दी गलड़ी, माड़ा जिहा हाल चाल पुछ लो बस नाल ही उधर जांदी है। की दसां भैणे, कुड़ियां वल्लों बाहली तंग आ, कल्लियां छड्ड के तां किते जा ही नहीं हुंदा। बारह बारह जमातां कर गईआं दोवें, बथेरियां थावां ते रिश्ते लब्भे पर सिरे कोई नहीं चढ़िया। जे मुंडा चंगा मिलदा तां घर नहीं चंगा मिलदा, जे घर मिल जे मुंडा नहीं हुंदा। नशियां ने जग पटिया पिया, नशेड़ियां दे धीआं तोर के किवें सुख दा साह लूं बंदा है। उत्तों अजकल दे वेलड़ मडीर रोज़ ही कोई ना कोई दादे मंगाउणा गलियां चों झातियां मार मार लंघदा। एक दो वारी तां मैं कुड़ियां नूं बिड़कां लैंदियां वी वेख्या, इह तों पहलां वी कुझ आ जांदी हो जाए मैं तां सोचदी हां वी चलो कुड़ियां विआह दिआं। पर चल एक गल चंगी हो गई वी इहनां दा प्यो हुण शराब छड्ड गिआ। एक दिन आया सी बाबा जी, एक उन्हां मारिआ दबका, बंदा बण जा बंदा नहीं तां गधा बणा के किले ना बांधूं। उस दिन का फिर कन्न च पाया नहीं रड़कदा, हुण ते भैण जी उहदे वल्लों मैं ठीक हाँ, हुण नहीं पींदा। चरणजीत दी डेरे वाले बाबे दी अथाह शरदा वेख के एक वारी तां मेरे भी पैर डगमगा गए। अंदर ही अंदर मैं भी तैयार हो गई भी बाबा जी दे दर्शन ते करके आवां। फिर मैं कहा छड्ड परां। वापस घर आई तां अखबार वीड़े च खिलरी पई सी, शायद हवा दे बुल्ले नाल उड़ के मंजे तों हेठां डिगी होणी है। ये राणी दा करके लवाई है, उहदे टीचर कहिंदे आ पढ़ाई दे नाल नाल रोज़ अद्धा घंटा अखबार पढ़नी भी जरूरी है, पर मैनू तां इहदे वरके फुलण तों भी डर आउंदा है। रोज़ ही कोई ना कोई जगों तेरहवीं खबर मूँह ते चपेड़ वांग वजदी है, जिहड़ी कदी ना देखी हुंदी ते कदी ना सुनी हुंदी। इहदे च वी कोई शैतान आत्मा वसी लगदी है, मेरा दिमाग खराब करन लग पैंदी। मुख पन्ने ते छपी दो सकियां भैणां दी खबर मेरा मूँह चढ़ा रही सी। सवेर वेले खबर मैं दो तीन वार पढ़ी सी। माँ दी चत्तो पैर दी निगरानी ते नुक्ताचीनी तो तंग आ के दो सकियां भैणां घरों भज गईआं सन। उन्हां नूं दिल्ली रेलवे स्टेशन तों फड़ के लिआंदा सी। हेठां लिखिआ सी, टीनेजर बच्चों ने लोड़ों वध प्रैशर ते दबा कारण मानसिक संतुलन विगाड़ लिया। इस उम्रे बच्चों नूं कोई गल मनवाउण लई बंदा करे ते करे भी की। यही खबर हेठों अखबार चुक के दोबारा पढ़ी ते मैं अखबार वलेट के रख दित्ती। मम्मी की वेखी जानी आ, राणी दी आवाज़ सुन के मैं त्रभकी। चुपचाप मंजे ते आके बह गई। राणी कपड़े बदल के रोटी खाण लग पई ते मैं उहदे कोल बैठी अखबार की फोला फाली करी जावां। पढ़न दा तां जिवें बहाना ही सी। मम्मी अज ना पापा मैनू स्कूल छड्ड के गए, मैडम नूं भी मिल के आए सी। मेरे मन च कुड़त्तन जिही भर गई। हैं, अगे ना पिछे अज ये कुड़ी दे स्कूल की करन गया? हो सकदा राह च कुड़ी नाल कोई माड़ियां गल्लां करदा गया होवे। एक वारी फिर मैनू सरबण दे चेहरे ते शैतान दा झौला पिया। मेरी सोच अपने आप नूं गन्ने वांग पीड़दी जापी। हुण उह बंदा मैनू जमा ही चंगा नहीं सी लगता। ऐं लगता जिवें उहने कुड़ी ते अपना गलबा पूरी तरह पा लिया होवे ते राणी जिवें उहदे वस च हो गई होवे। आउण दे चौरे नूं अज गल एक बन्ने ला ही देणी है। आखिर तेरे मन च है की, चाहुंना की आ तूं? मैं मन ही मन अपने आप नूं ग्रह युद्ध लई तैयार कर रही सां। बाकी बचे थोड़े जे दिन विच मेरे अंदर पता नहीं कुछ वापर गया। पल पल मेरी सोच अपने आप च गुत्थम गुत्था हुंदी रही। मूँह नेरा होया, बूहे मूहरे घुसर मुसर जी होई। मैं गांह जाके वेख्या ते सरवण गामे नाल गल्लां करन लगा सी। ओ चल यार घुट लाउने आ, गामा कह रहा सी। नहीं यार हुण चित नहीं करदा, नाले आपां हुण बाहर ही मिला करांगे, घरे ठीक नहीं लगता, सरवण गामे नूं टाल रहा सी। मैं चुपचाप वापस आ चौंके च बैठ के रोटियां लाउण लग पई। पंज क मिंट बाद सरबण अंदर लंघ सैकल कंध नाल ला के हैंडल नालों दो लिफाफे खोल चुपचाप अंदर चला गया। राणी वाल ब्राशां जिहियां पाड़ के हसदे नूं चौंके च बैठी ने मैं वेख लिया सी। राणी मंजे तों उठी ते पानी देण दे बहाने अंदर चली गई। मेरे मूँह च जिवें अक चिथिया गया होवे, मन च भरे गुबार दा कड़ पाटन ते आ गया कि कंजरखाना बनाया घर नूं, अज दसदी इहनां नूं। मैं हथ च फूकना लै के अंदर नूं औली पर मेरे कदम दिल्ली ते धरे दे धरे रह गए। सरबण राणी दे सिर ते नवीं लियांदी वर्दी वाली चुन्नी दे रहा सी। हुण मेरा पुत वड्डा हो गया ना, चुन्नी लैके स्कूल जाया करूगा, वो लाड जे ना बोल रहा सी। राणी चुन्नी दी बुक्कल मार के मेरे वल मुड़ी। मैनू लगा जिवें चुन्नी दी पवित्रता नाल उहदा वजूद ते प्यो दी इज्जत दोवें ही ढके गए होण। मैथों उन्हां नाल अख ना मिला हुई ते ना कुछ मूहों बोल होया।